इस लेक्चर में जो हम बात करते हैं पोलर कर्व्स की कुछ डबल इंटीग्रेशन के ऊपर, ये पेज नंबर 465 है बुक का, एस एम यूसुफ की बुक कैलकुलस की, उस पे एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8, यूज डबल इंटीग्रेशन टू फाइंड एरिया एंड क्लोज बाय द कार्डियाइड, आर इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। अब ये कार्डियोइड क्यों है, आपने प्रीवियस लेक्चर सुना है, तो उसके अंदर इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे जाहिर है ए और बी इक्वल हैं, ए ओवर ए इज इक्वल टू वन, तो ये कार्डियोइड बनेगा और ए पॉजिटिव है, तो हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अगर हम इसको ग्राफ करें तो ये किस तरह की शेप होगी कार्डियोइड, यहाँ पे ऊपर ए यूनिट्स, नीचे भी ए यूनिट्स, तो और ए प्लस ए टू ए, और ये ए माइनस बी कॉस थीटा है तो ये लेफ्ट वर्ड होगा, यहाँ पे टू ए आ जाएगा, ए प्लस ए टू ए, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन है तो माइनस बाहर लगा देंगे हम, तो ये जो कार्डियाइड होगा ये कुछ इस तरह का होगा, ये कुछ इस तरह की शेप होगी, इन्हें लूप नहीं बनेगा, यहाँ से शुरू होगा और ये इस तरह के कार्डियोइड होगा। अब हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है, जितना एरिया इनक्लोज है इसके अंदर, तो एरिया हमारे पास यहां से देखें, अगर हम इसके अपर जो लूप है उसकी बात करें, इसकी बात करें तो यहाँ पे जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से शुरू हुआ है और सेकंड क्वाड्रेंट तक गया है, तो ज़ीरो से पाई तक गया है, इसका मतलब है तो एंगल गया है ज़ीरो से लेकर पाई तक, और उसके बाद हमने देखना है आर को, बल्कि ये हमने थीटा लिख लिया, अब हम आर की जो वैल्यूज़ हैं उसको देखते हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर तो आर ज़ीरो है, और आर मैक्सिमम कहाँ पे हुआ है, इस लूप पे जाके यहाँ पे, और इस लूप के ऊपर आर की वैल्यू कितनी है, ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा, इसका मतलब है जब अगर हम अपर लूप की बात कर रहे हैं तो आर शुरू हुआ ज़ीरो से और मैक्सिमम गया ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा, और अंदर हम लिख लेंगे आर डी आर डी थीटा, जैसे कि हम पोलर कर्व में लिखते हैं, लेकिन ये तो हमने अपर लूप की बात की है, सेम जो है वो सिमेट्रिक है नीचे वाला लूप भी, उसका एरिया भी उतना ही होगा, इसका मतलब हम इसका एरिया फाइंड आउट करके इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर एरिया क्या आ जाएगा, टू ज़ीरो टू पाई, और यहाँ पे आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर ओवर टू, और इस पे लिमिट्स लगा देंगे 0 टू a इंटू वन माइनस कॉस थीटा डी थीटा, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0 टू पाई r का स्केयर, यानी a इंटू वन माइनस कॉस थीटा का होल स्केयर, तो a स्केयर इंटू वन माइनस कॉस थीटा का होल स्केयर और साथ में डी थीटा, और इसके बाद इसको बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, जीरो टू पाई ए स्केयर को बाहर निकाल दें, ये आपके पास आ जाएगा वन प्लस कॉस स्केयर थीटा माइनस टू कॉस थीटा और डी थीटा, तो यहाँ पे फार्मूला लगाने के हमें पता है कि कॉस टू थीटा किसके इक्वल होता है, टू कॉस स्केयर थीटा माइनस वन, तो यहाँ से माइनस वन को इधर लें तो वन प्लस कॉस टू थीटा इक्वल होता है टू कॉस स्केयर थीटा, तो कॉस स्केयर थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, वन प्लस कॉस टू थीटा ओवर टू, तो कॉस स्केयर की ये वैल्यू यहाँ, ये वाली वैल्यू जो है यहाँ रख लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके इसको जस्ट इंटीग्रेट कर देंगे तो एरिया आ जाएगा, तो इस तरह से आपने इस एग्जाम्पल को करना है। नेक्स्ट हम लेते हैं एक्सरसाइज 10.2, उसका क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर फोर है, फाइंड द एरिया आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल एंड इनसाइड इनसाइड द कार्डियोइड आर इज इक्वल टू टू इंटू वन प्लस कॉस थीटा, इनसाइड द सर्कल आर इज इक्वल टू थ्री। और पहले तो हम इस फिगर को देख लेते हैं। आर इज इक्वल टू थ्री यूनिट्स का मतलब है ये एक सर्कल है सेंटर्ड एट ओरिजिन विद रेडियस थ्री यूनिट्स, तो सेंटर्ड एट ओरिजिन होगा और इस तरह से ये एक सर्कल है हमारे पास जिसका रेडियस थ्री यूनिट्स है। यहाँ पे माइनस थ्री होगा, यहाँ पे थ्री होगा और यहाँ पे माइनस थ्री। अच्छा, उसके बाद हमारा जो कार्डियोइड है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से आर इज इक्वल टू टू प्लस टू कॉस थीटा, तो ज़ाहिर है यहाँ पे ए ओवर बी टू ओवर टू वन है, पहले बता चुका है बुक वाला कि कार्डियोइड है। ए कितना है टू यूनिट्स, तो यहाँ पे टू यूनिट्स ऊपर टू यूनिट्स नीचे माइनस टू, और टू माइनस टू जीरो, इनर लूप नहीं बनेगा यहाँ पे, और टू प्लस टू फोर, तो यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पे फोर। तो हम जब इसको प्लॉट करेंगे तो इसका जो प्लॉट है वो कुछ इस तरह का आएगा। ये हमने कार्डियोइड प्लॉट कर लिया। अब यहाँ पे जो हमने एरिया फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड दिस सर्कल के आउटसाइड और इनसाइड द कार्डियोइड, इसका मतलब हमने जो एरिया फाइंड आउट करना है वो ये वाला एरिया। ये एरिया जो हमने फाइंड आउट करना है, तो इसमें हम देखेंगे कि यहां पर जो इंटरसेक्शन हो रहा है इन दोनों का वो किस एंगल पे हो रहा है, यहाँ पे किस एंगल के ऊपर इंटरसेक्शन हो रहा है। तो उसके लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि आर थ्री है तो हमने आर को थ्री रख दिया यहाँ पे, इसके अंदर थ्री इज इक्वल टू टू प्लस टू कॉस थीटा, तो यहाँ से थ्री माइनस टू वन आ जाएगा, वन इज इक्वल टू टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी वन ओवर टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60 के ऊपर 1 ओवर 2 होता है, यानी कॉस पाई बाई 3, और चूंकि कॉस पॉजिटिव है तो कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो इसका मतलब है फोर्थ फर्स्ट में एंगल होगा थीटा और फोर्थ में होगा 2 पाई माइनस थीटा, तो इसका मतलब है थीटा की वैल्यूज क्या आ जाएंगी पाई बाई 3 एंड 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई थ्री और फाइव पाई बाई थ्री। तो यहाँ पे जिस एंगल के ऊपर इंटरसेक्शन हो रहा है, ये दो एंगल्स हमारे पास आ गए, ये एंगल ये कितना है पाई बाई थ्री और ये नीचे फाइव पाई बाई थ्री, इधर से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये फाइव पाई बाई थ्री है। अब अगर हम सिर्फ इन अपर लूप की बात इसकी बात कर लें, पहले सिर्फ इसकी बात कर लें, तो हमने जो एरिया फाइंड आउट करना है वो होगा, यहाँ से देखें बात शुरू हुई है एक्स एक्सिस से, और एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल कितना होगा ज़ीरो, तो एंगल ज़ीरो से लेकर कहाँ तक पाई बाई थ्री तक, पाई बाई थ्री। और उसके बाद हम जस्ट इसके अपर लूप पे बात कर रहे हैं, तो आर जो है वो कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से देखें यहाँ पे आर था थ्री, थ्री यूनिट्स, और यहाँ से आर फिर हमने मूव किया है फोर तक, नहीं ये तो आगे मूव कर रहा है, तो यहाँ से आर गया है उस फिगर तक कार्डियोइड तक, और कार्डियोइड पे आर की वैल्यू कितनी है टू प्लस टू कॉस थीटा, तो इसका मतलब है कि आर की जो लिमिट्स होंगी वो होंगी थ्री से टू प्लस टू कॉस थीटा, और ये हमने बात किया जस्ट अपर लूप की, तो इसलिए
पिछले वाले लूप का एरिया भी हमने फाइंड आउट करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अंदर हम लिख देंगे r dr d थीटा। अब इसको सॉल्व करना है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से सिंपली एरिया जो है वो क्या आ जाएगा, 2 × 0 to π/3, और इसकी इंडिकेशन क्या आ जाएगी, r² / 2, और इस पर लिमिट्स आ जाएंगी 3 to 2 + 2 cos θ d θ। ये 2 2 से कैंसिल कर दें और इसके अंदर r की जगह ये वैल्यू रखें 2 + 2 cos θ² - 3 का² और उसके बाद तो जस्ट इसको इंटीग्रेट करना है, जो आपके लिए कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड एरिया इनसाइड द सर्कल r = 4 sin θ एंड आउटसाइड द लेमनिस्केट। लेमनिस्केट r² = 8 cos 2θ। पहले तो इन दोनों शेप्स को हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। r = 4 sin θ, ये एक सर्कल बनेगा जिसका डायमीटर 4 यूनिट्स होगा और ये सर्कल कुछ इस तरह से बन जाएगा, और इसका डायमीटर कितना होगा, 4 यूनिट्स। उसके बाद है हमारे पास r² = 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2 का² cos 2θ। तो यहाँ पे a कितना है, 2√2, और चूंकि cos 2θ है और ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ये प्लॉट होगा x एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ से 2√2 3 point something आ जाएगा हमारे पास, तो आप समझे कि यहां पे कुछ यहां पे होगा -2√2 और यहां पे होगा 2√2। तो ये जो लेमनिस्केट है ये कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का हम इसको प्लॉट कर लेंगे। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है और इनको बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसके अंदर ये जो r की वैल्यू है इसमें यूज कर लें, r की जगह मेरे का 4 sin θ, तो ये आ जाएगा 4 sin θ² = 8, और cos 2θ को साइन के फॉर्म में लिखें तो 1 - 2 sin² θ, तो ये आ जाएगा 16 sin² θ = 8 - 16 sin² θ। इन दोनों को यहाँ पे लाके ऐड कर दिया तो ये आ गया 32 sin² θ = 8, और sin² θ = 1/4, और sin θ = यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाएंगी 1/2, और sin θ हमारे पास sin θ की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, π/6 पे, और पॉजिटिव है साइन इंटरसेक्शन क्योंकि हो रहा है हमारे पास फर्स्ट और सेकंड में, इसलिए हमने पॉजिटिव रखा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होती है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर π - θ, π - θ, तो π/6
और पाई माइनस पाई बाई सिक्स, तो दो एंगल आ जाएंगे हमारे पास, पाई बाई सिक्स आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा 5 पाई बाई सिक्स। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो एंगल है ये है पाई बाई सिक्स। पाई बाई सिक्स से जब हम शुरू हुए और हमने स्ट्रिप बना ली इन दोनों फिगर्स के दरम्यान, पाई बाई सिक्स से लेकर आगे कहाँ तक, क्योंकि ये जो कर्व है ये तो मूव कर रही है ओरिजिन पे और उसके बाद ये नीचे जा रही है एक्स एक्सिस के, हमने तो इसको अबव दी एक्स एक्सिस लेना है। तो अब हम देखेंगे कहाँ पे जाके ये कर्व ज़ीरो हो जाती है, ये वाली कर्व कहाँ पे जाके ज़ीरो हो रही है, लेमनिस्केट। ये तो पता चल गया कि यहाँ पे एंगल पाई बाई सिक्स है, लेकिन यहाँ हम ये भी देख लें कि ये कहाँ पे जाके ज़ीरो हो रही है। अब अगर ये कर्व ज़ीरो, जहाँ पे आर ज़ीरो हो जाए, तो उस वक्त एंगल क्या होगा, आर को ज़ीरो रखें, ज़ीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि 2 थीटा इज इक्वल टू cos inverse 0, 2 थीटा इज इक्वल टू π/2, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। तो पाई बाई फोर पे जाके ये कर्व बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, उसके बाद इसने नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है हमारे पास एंगल जो होगा वो पाई बाई सिक्स से लेकर पाई बाई फोर तक होगा, जब आर हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो हमारा जो एंगल होगा, एरिया जब हमने फाइंड आउट करना है, तो एंगल होगा पाई बाई सिक्स से लेकर पाई बाई फोर, क्योंकि उसके बाद तो ये ज़ीरो हो गई। और दूसरा, उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, वो एंगल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और वो होगा पाई बाई टू, क्योंकि हम तो इस पूरी शेप की बात करें, इस जो इसका लूप है ये वाला राइट साइड वाला, इस पूरे की बात कर रहे हैं। तो पहले हम बात कर लेंगे पाई बाई सिक्स से लेकर पाई बाई फोर तक, ये देखें पाई बाई सिक्स से लेकर पाई बाई फोर तक, और उसके बाद अगले इंटीग्रल में हम बात करेंगे पाई बाई फोर से, पाई बाई फोर से लेकर पाई बाई टू तक। लेकिन यहाँ पे इस लूप के अंदर हमारे पास जो आर है वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा, और अभी यहाँ से स्टार्ट होगा ये जो फिगर है लेमनिस्केट, लेमनिस्केट ये जो हमारी स्ट्रिप है ये लेमनिस्केट से स्टार्ट होगी। लेमनिस्केट के ऊपर आर की वैल्यू कितनी है, आर आर स्केयर इज इक्वल टू 8 cos 2 थीटा, स्केयर रूट करेंगे तो, और चूंकि पॉजिटिव डायरेक्शन है तो स्केयर रूट ऑफ, यहाँ पे आएगा स्केयर रूट ऑफ 8 cos 2 थीटा, और स्ट्रिप कहाँ पे जा रही है, सर्कल के ऊपर, और सर्कल पे आर की वैल्यू कितनी है, 4 sin थीटा, तो ये आ जाएगा 4 sin थीटा। उसके बाद प्लस, उसके बाद पाई बाई फोर, पाई बाई फोर से पाई बाई टू, और यहाँ पे चूंकि ये कर्व लेमनिस्केट ज़ीरो हो चुकी है, हम नीचे की बात नहीं कर रहे, तो ज़ीरो से लेकर सर्कल तक, सर्कल हमारे पास क्या है, तो दोबारा 4 sin थीटा, तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू 4 sin थीटा। ये दो हमारे पास इंटीग्रल्स बन गए, डबल इंटीग्रल ने दोनों, और यहाँ भी आ जाएगा RdRdθ और इधर भी आ जाएगा RdRdθ। लेकिन ये सारा जो एरिया होगा ये तो होगा इसके, इस एरिया के वो उस पार्ट का जो एक्स जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है उसका। तो ये जो हमारा एरिया है इसको, ये भी तो सिमेट्रिक है, उसके बिल्कुल वही उतना ही है जितना ये इस तरफ है। तो इसका मतलब है इस सारे को हम कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस सारे को कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और आगे जस्ट इसको सॉल्व करना है इंटीग्रल को, वो सॉल्व करना तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। तो इस तरह से हमने पोलर कर्व्स की जो एरियाज हैं वो फाइंड आउट करने होते हैं। तो इसकी जो बाकी एग्जाम्पल्स हैं वो भी आप लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का एक क्वेश्चन देखा है पेपर में आया हुआ है, तो इनको सॉल्व कर लें। इससे पहले पहले लेक्चर सुने पहले कि अपने कर्व्स को प्लॉट कैसे करना है, और उसके बाद इनको सॉल्व लें। अल्लाह हाफिज़।